बाबूलाल पैरवा के परिवार को न्याय मिले और परिजनों की जो मांग है, ये नियुक्ति मुआवजा ये तो चलता रहता है, लेकिन गिरफ्तारी इन मुलजिमों की हो, पुलिस के अंदर बैठा व्यक्ति अगर न्याय नहीं मिले, सुसाइड कर ले, इससे गंभीर बात नहीं हो सकती। लोग जब पुलिस से ही भरोसा उठ जाए। इसी तरह का मामला केनारा मेघवाल का नागौर के अंदर हुआ, खुद अपने परिवार के साथ सुसाइड किया था, जान की बाजी लगा कि इस सिस्टम के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक हेड कांस्टेबल का 5 दिन से सौ पड़ा और राजधानी के अंदर कोई सुनने को नहीं आ रहा। मौके पर मंत्रियों को आना चाहिए, कौन रोक रहा बताएं मुझे, आके इन लोगों से बात करनी चाहिए। पाकिस्तान बंद भी इसका होगा और आवश्यकता पड़ी तो कल 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे घेरने के लिए इसको आएंगे। मैं सरकार से ये भी मांग करूंगा, बाबूलाल जी पैरवा ने सादती में कहूंगा कि वो शहीद हो गए सिस्टम के खिलाफ, जो 16 सीसी की चार्जशीट इन लोगों को सौंपी थी उसमें लगातार वो तकलीफ में थे। जगह जगह इन्होंने अधिकारियों से बात करी, अपने आप को निर्दोष साबित करने की बात की, लेकिन पुलिस मुख्यालय कमिश्नरेट के बैठे अधिकारी इनको जांच से बाहर नहीं निकाल रहे थे, इनको प्रताड़ित कर रहे थे और इसकी वजह से इस व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़े। इसके अंदर सीधा सीधा राजस्थान सरकार का सिस्टम फेल्योर है, कमिश्नरेट का सिस्टम फेल्योर है और भजन लाल जी राजधानी के अंदर, मुझे बताएं, प्रधानमंत्री जी का दौरा है और राजधानी में एक हेड कांस्टेबल जिसने सेवाएं इस पुलिस डिपार्टमेंट को लंबे समय से दी, वो परिजनों के साथ हजारों की तादाद में अनेक संगठन सारे लोग हर पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं कि बाबूलाल पैरवा के परिवार को न्याय मिले और परिजनों की जो मांग है, ये नियुक्ति मुआवजा ये तो चलता रहता है, लेकिन गिरफ्तारी इन मुलजिमों की हो, क्योंकि सुसाइड नोट जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है कि सुसाइड नोट अगर मरता हुआ व्यक्ति लिखता है तो उसको सही माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है वो अपवाद को छोड़ दें। तो इसके अंदर सीधा सीधा पुलिस के 3 अधिकारी और 1 पत्रकार दोषी है, परिजन गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अन्य मांगों को लेकर 5 दिन हो गए और पहले ही दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से हमने, हमारी पार्टी ने पूरा समर्थन दे दिया था। लगातार मैं पुलिस कमिश्नर, DGP और सरकार के अंदर बैठे बड़े लोगों के संपर्क में था। मैं चाह रहा था कि भाई ये जो मामला है, ये पुलिस के अंदर बैठा व्यक्ति अगर न्याय नहीं मिले, सुसाइड कर ले, इससे गंभीर बात नहीं हो सकती। लोग जब पुलिस से ही भरोसा उठ जाए। इसी तरह का मामला केनारा मेघवाल का नागौर के अंदर हुआ, खुद अपने परिवार के साथ सुसाइड किया था, उसमें विधानसभा के अंदर मामला उठा और गुलाबचंद कटारिया गृह मंत्री थे, उन्होंने मामला IG स्तर के अधिकारी से जाँच कराई थी लेकिन बाद में उस जाँच को दबा दिया। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि ये हर व्यक्ति की पीड़ा है। अगर व्यक्ति आत्महत्या करके और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को उसके अंदर संबोधित करके लिखता है कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे, मेरे परिवार को न्याय दिलाएंगे और इन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जब इतनी बात सीधी सीधी सबूत साक्ष्य हैं तो गिरफ्तारी में देरी नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो उन लोगों को राउंड अप करके और जो भी घोषणा है, मैं तो ये कहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री जो प्रेम जी, वो खुद बेरवा समाज से आते हैं और बेरवा समाज और किसानों के दम पे वो चुनाव जीते हैं। उनकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है कि उनको आगे आके धरना स्थल पर आके ये घोषणा करनी चाहिए कि ये मेरी लड़ाई है, ये बाबूलाल बेरवा के परिवार की लड़ाई नहीं है, ये पूरे राजस्थान के उन हजारों पुलिस कर्मियों की जो अपनी जान की बाजी लगा कि इस सिस्टम के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक हेड कांस्टेबल का 5 दिन से सौ पड़ा और राजधानी के अंदर कोई सुनने को नहीं आ रहा। मौके पर मंत्रियों को आना चाहिए, कौन रोक रहा बताएं मुझे, आके इन लोगों से बात करनी चाहिए कि अब कभी तो किसी एडिशनल कमिश्नर को भेज रहे हैं, कभी किसी ADG क्राइम को भेज रहे हैं, तो ये तो सबको देख रहा है। तो मेरा परिजनों की जो मांग है उसके साथ हम लोग बैठे, परिजन जैसा चाहेंगे वैसा राष्ट्र लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की मांगे जब तक नहीं मानते हम साथ हैं। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान बंद भी इसमें होगा और आवश्यकता पड़ी तो कल 20,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे घेरने के लिए इसको आएंगे। मैं सरकार से ये भी मांग करूंगा कि बॉडी को 5 दिन हो गए, डीप फ्रीज की व्यवस्था सुनिश्चित करें, उसको ढंग से देखें और सरकार अलग अलग बात देख के मुख्यमंत्री को खुद को वक्तव्य देना चाहिए कि पुलिस का जवान शहीद हुआ है, मुख्यमंत्री को वक्तव्य देखे, खुद ही बिना वार्ता के वहीं बैठे बैठे कहना चाहिए कि सारी मांगे हमने मान ली है और प्रेमचंद बेरवा को मौके पे भेज के और सारी मांगे मान के इन परिजनों को डांडस बंधना चाहिए। ये सरकार अगर संवेदनशीलता होती सरकार ये काम करती, सरकार संवेदनहीन है। सरकार किसी न किसी तरह SC ST के लोगों को वोट तो लेना चाहती है लेकिन सरकार इनका शोषण करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की और दिल्ली की सरकार की आदत है। मैं तो रहा हूँ दिल्ली तक, मैंने देखा जिस तरह भी आरक्षण का मामला हुआ,
जिस तरह दूसरे मामले में सरकार इन लोगों को दूसरे तरीके से दूसरे नजरे से देखती है, ठीक नहीं है। किसानों के बल पर सत्ता में आए बोल रहे हैं कंगना रानौत ने, तो यहाँ तक बोल दिया कि किसानों के आंदोलन के दौरान रेप अगर भी होता था वहाँ पर आंदोलन में, तो आपको पता कंगना रानौत के वहाँ उस एयरपोर्ट में क्या बात, आपको जाना घटना पे बोला तो भुगतना भी पड़ेगा, पहले भुगता और अब तो उसके खुद के विचार है और उसके विचार नहीं, मैं तो ये मानो भारतीय जनता पार्टी के विचार है, क्योंकि बंद कमरे में जो बातें चलती है वही बातें बाहर आती है। तो निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर मोदी अमित शाह का जो घेरा है वो किसान विरोधी लोगों का घेरा है और उनको मजा आता है लोगों को तंग करने के अंदर, और लोगों को तंग करके ही अगर हालात रहे तो आने वाले समय के अंदर भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात इस देश के अंदर हो सकते हैं, जिस तरह अग्निवीर इसका भी बड़ा आंदोलन राजस्थान से शुरू होगा, हम करेंगे अग्निवीर को खत्म करने को लेकर, सेना के सम्मान को जो ठेस लगी है किसान आंदोलन के बाद अग्निवीर, और जिस तरह आम आदमी त्राईमाम करके गुजरात के कुछ लोग पूरे सिस्टम को हैक करके बैठे हैं, न तो मीडिया स्वतंत्रता से अपनी बात कह सकता है, न कोई नेता कह सकता है, अगर बोलेगा तो ईडी सीबीआई चली जाएगी और अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो ईडी सीबीआई केस खत्म कर देगी। आप बताइए, एक नई परंपरा इन्होंने शुरू की। पुराने समय में तो हमने जब बच्चे थे सुना था कि इमरजेंसी लगी थी इंदिरा जी के टाइम पे, लेकिन ये तो अघोषित आपातकाल चल रहा लंबे समय से, तो ये अघोषित आपातकाल है। बाबूलाल बेरवा के परिजनों को न्याय जब तक नहीं मिल जाता, हम लोग इनके साथ हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, एक इन्होंने संघर्ष समिति भी बनाई, हम सब लोग बात करके जो भी परिवार के हक में होगा, जो भी न्याय इस परिवार को मिले वो फैसला हम परिवार के साथ मिलकर हम लोग। तो ये भी बोला था कि सीबीआई जांच की मांग, सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि बार बार उन्हें सस्पेंड गलत तरीके से, देखिए सीबीआई जांच अगर परिवार चाहेगा तो सरकार को हम झुकाएंगे, सीबीआई जांच भी हो जाएगी, लेकिन परिजन और इस संघर्ष समिति क्या चाह रही है, इनसे बातचीत में कर रहा हूँ मैं, इनके साथ हूँ, निश्चित तौर से सरकार को झुका के उठेंगे। पत्नी ने आत्मदाह की चेतावनी दी है कि अगर आज मेरे पति की बॉडी नहीं दी गई और न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगी, इससे बड़ी चेतावनी नहीं हो सकती। एक चला गया और दूसरा जाने की बात कर, जो माँ की पीड़ा, जो बच्चों की पीड़ा, बेटियों की पीड़ा, कम से कम भजन लाल जी को तो लोग कहते थे बहुत सीधे सज्जन है भजन लाल जी, तो इनको चिंता नहीं किस बात की, उनको बयान तो देना चाहिए, कम से कम इसमें व्यक्ति में उनको आना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप उठें, मेरी संवेदनाएं हैं और मैं ये काम कर रहा हूँ वहीं बैठे हुए, सीएम भी घोषणा कर देनी चाहिए ना, आंदोलन अपना भी खत्म हो जाएगा, हम छुट्टे थे और प्रेमचंद जी को भेज दें वहाँ पे, हो जाएगा सारा काम। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि जिस समाज का उप मुख्यमंत्री सत्ता के अंदर हो और उस समाज के बेटे की बॉडी 5 दिन से पड़ी है, या उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, अर्जुन जी मेघवाल के खिलाफ नारे लगा, हमने मना किया, मैंने कहा इस तरह नारेबाजी अपन नहीं करें, अपना सिस्टम से झगड़ा है और सिस्टम को ठीक हम करेंगे, हम सिस्टम को ठीक करने के लिए बैठे हैं। तमाम संगठन, कई लोगों ने समर्थन नहीं दिया, 5 दिन से लगातार लोग आ रहे हैं, वो भी मजबूती के साथ इस परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आ रहे हैं। मैं मीडिया का और तमाम लोगों का धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि आपने भी इस मामले को मजबूत बनाया, कोई भी नुमाइंदा 5 दिन से नहीं आया, अभी आएगा भी नहीं, सरकार तो गूंगी बेरी है, सरकार तो दूसरे तरीके से मानती है, आज अगर मांगे नहीं मानी तो दूसरे तरीके से अख्तियार करेंगे लोग, वो कुछ भी कर सकते हैं, भजन लाल जी को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, बताऊँ